और बिजली की मुमकिन इजाफे में शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत आए रोज बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा करती जा रही है। महंगाई ने पहले ही गरीब की कमर तोड़ दी है, ऐसे में ये इजाफा जुल्म होगा। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मेरे 28,000 रुपये बिल आया 2 महीने का। मेरी 6 कुड़ियां, मैं कला कमाने वाला, मकान भी मेरा किराए का। दसो मैं की कर सकता है। मेरा 300 यूनिट सड़िया, 300 यूनिट का मैंने 12,000 रुपये बिल आया। मेरी राय ये है कि जितनी भी ये सियासी जमातें हैं ना, इनको आवाम का कोई ख्याल नहीं है। ये सिर्फ अपने चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमारा, हम अच्छे हैं, हम आ जाएँ इस मुल्क के ऊपर, हम आ जाएँ, लेकिन आवाम के लिए कोई भी बेहतर नहीं है। आवाम का वारिस अल्लाह है। अगे साढ़े घर का बिल आता नहीं 20,000-30,000, हूँ आना स्टार्ट हो गया 50,000। अगली बात है, ये एक बम ही है आवाम के ऊपर। पहले ही बहुत ज्यादा रेट है बिजली का, आधी तनख्वाह पूरी जो है ना बिजली के बिल में दी है हमने। अरे में हम क्या बनाए, ये सैलरी इतनी दी जा रही है, हुकूमत इतना हमें ख्वार किया हुआ है बिजली की वजह से। हमारा 91,000 रुपये बिल आ गया, 30,000 हमारी सैलरी है। हम सैलरी में क्या करें, बच्चों को पालें, बच्चों की फीस भरें, या घर का चलाएं, या बिजली का बिल भरें। बस ये तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे ऑक्सीजन के पाइप पे जो है ना, वो पांव रख देना चाहिए, मार देना चाहिए। इनको चाहिए एक ही दफा ना, ये ऐसा कुछ दे दें सबको, पानी में या किसी चीज में मिला के मर जाए लोग। ये घुट घुट के रोज रोज मरना है। अब इस वक्त हमारा ये हाल है कि हमारा जो पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो कर देता है ना, बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी, इवन के इतों तक कि पानी के बिल जो 300 रुपया आता ही 1,000 तक कुछ आया है। खुदकुशी करे, इतने महंगे बिल हो गए हैं, तो आवाम खुदकुशी की तरफ आ रही है, किसान खुदकुशी की तरफ आ रहा है, बेचारा मजदूर पीछे खुदकुशी कर गया है, या बिजली के बिल की परेशानी।